हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका आज इस चैनल के अंदर। और आज अपन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो बात आपसे एनसीईआरटी 244 पेज नंबर पे कह रही है, तो ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें अपन रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा 244 पेज नंबर पे एनसीईआरटी दो टर्म दे रही है, एक को लिखती है रिलेटिव ग्रोथ रेट तो एक को लिख रही है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और क्या होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को समझते हैं। और एनसीईआरटी ने 5-7 लाइन में कहा है, लेकिन उसने वर्ड बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला यूज किया है। तो आइए टर्म समझते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनिशियल इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपको रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट समझ में आएगा। आज ये दोनों टर्म को समझते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है। सबसे पहले अपन एब्सोल्यूट समझेंगे, फिर अपन रिलेटिव ग्रोथ समझेंगे। दो पत्ती है, दो पत्ती ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा पत्ती ए और मैंने कहा और पत्ती बी, दो लीफ है। एक को मैंने लीफ ए कहा तो एक को मैंने लीफ बी कहा। मैंने कहा कि लीफ ए का इनिशियल इनिशियल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका फाइनल लेंथ हो गया है इंक्रीज होके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा कि बी पत्ती का इनिशियल लेंथ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फाइनल लेंथ हो गया है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने क्या कहा कि मैंने बोला एक लीफ ए है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एकदम मैक्सिमम साइज बड़ी होके इसका फाइनल लेंथ हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने कहा लीफ बी है जिसकी इनिशियल लेंथ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फाइनल लेंथ इसकी है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम दोनों पत्ती का सबसे पहले एब्सोल्यूट फाइंड आउट करेंगे, फिर मैं रिलेटिव फाइंड आउट करूंगा। तो आइए सबसे पहले अपन दोनों पत्ती का रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखते हैं क्या होता है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि 10 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा 55 माइनस 50 मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं ये बात आपसे कह दूं कि दोनों पत्ती का, पत्ती ए और पत्ती बी का, दोनों पत्ती का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पत्ती ए का भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आया और पत्ती बी का भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आया। लेकिन अगर दूसरी मैं बात करूं रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, इसको देखना है ध्यान से। और मैंने कहा है रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। देखना ध्यान से, मैंने कहा कि फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100, यही आएगा। फिर मैंने यहां पे कहा कि 55 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। आ जाइए फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 100% आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 10% आएगा। रिपीट करते हैं, सुनना इस वाले पॉइंट को ध्यान से आप सुनिएगा। मैंने कहा है इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है पत्ती ए और पत्ती बी का, बिल्कुल बात सही है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करूं मैं, रिलेटिव का मतलब रिलेट करना है। अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की मैं बात करूं तो पत्ती ए का 100% ग्रोथ रेट है तो इसका 10% ग्रोथ रेट है। अगर मैं इसकी इसको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो मैं ये कहूंगा पत्ती ए ने अपने इन्वायरमेंट को 100% यूज किया है, और पत्ती भी अपने इन्वायरमेंट को केवल 10% ही यूज कर पाई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इस पत्ती ने अपने इन्वायरमेंट को केवल 10% ही यूज किया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, हो सकता है पत्ती ये के अंदर या कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो,
एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, अरे दो ही प्रॉब्लम तो हो सकता है ना भाई जिसके वजह से इसने अपने एनवायरमेंट को कम यूज किया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा है पत्ती ए का और पत्ती बी का कम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में कौन ज्यादा है रिलेटिव ग्रोथ रेट के अंदर, तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि पत्ती ए का रिलेटिव ग्रोथ रेट हाई है। तो इस पॉइंट को याद कर लेना, अरे इसने अपने एनवायरमेंट को 100% यूज कर लिया है और ये अपने एनवायरमेंट को केवल 10% यूज किया। 7-8 लाइन के अंदर बात एनसीईआरटी आपसे यही कह रही थी और मैंने कितने लाइन में बताया होगा यार, मैक्सिमम 4-5 मिनट के वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। 244 पेज नंबर पे एनसीईआरटी दो पत्ती बनाती है, दो लीफ बनाती है और उसी के बारे में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को समझा रही है और आपसे नीचे क्वेश्चन भी पूछती है। उस मैंने पॉइंट को समझाया भी है और उस सारे क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू डील भी कर दिया। तो जितनी पॉइंट एनसीईआरटी 244 पेज नंबर पे रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में कह रही थी मैंने उतना कह दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में समझेंगे, इसमें 6-7 हार्मोन एनसीईआरटी कह रही है उसको अपन डील करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।